लावण्या भाई एक ही दिन में इतनी तेज बीमार पड़ गई कि लाल आंखें और एक ये दो ये तीन और ये चार। लावण्या हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सर काम मतलब खाना नहीं बनाया, सिर्फ पोछे लगा दिया आज पूनो है इस वजह से। और कल हमारी लावण्या ने गई थी दादी के यहाँ और अभी आ गई है। और ये देखिए उनकी हालत कितनी बुरी, क्या हो रहा है देखो बेचारी हमारी लड़की। गिन लिए आपने? दो तीन हो चुके हैं, चौथा है, तीसरा है। एक ये दो ये तीन और ये चार। लावण्या क्या हो गया, क्या हो गया? और बुखार आ रहा है, गर्म हो रही है बहुत तेज। टेबलेट दे दिए, सो जाओ, चार ओढ़ के थोड़ा आराम मिल जाएगा। बुखार तेज आ गया दादी घर पे, वो कभी कहीं रुकती नहीं है। या तो नानी के घर रुकेंगी और या फिर मम्मी के पास रुकेंगी, तो उनको आदत नहीं है ना कहीं ज्यादा रुकने की। दोपहर में गई, फिर शाम को आ गई, फिर रात में चली गई और रात में रुकी है तो बुखार आ गया। इसलिए मैं मना करती हूँ, कहीं मत रुको, मम्मी के पास ही रुको, बढ़िया है, बुखार तो नहीं आएगा कम से कम। और मैंने बनानी है चाय, ये चाय बन चुकी और ये हो रहा है दूध गर्म। शु और तनिष गए हैं मंदिर, वैसे तो मैं भी जाने वाली थी लेकिन लावण्या बीमार हो गई है तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ। और तनिष हर्षू चले गए हैं। अब मैं पी लेती हूँ चाय, खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। फिलहाल तो उसके लिए फीकी खिचड़ी बनाते हैं, तो अभी चाय पियेंगे उसके बाद बनाएंगे। अभी इसको मैं खाना खिला के, टेबलेट खिला के सुला दिया उसे। खाना में मैंने कुछ नहीं बनाया आज, मूड ऐसे ही हो रहा था। और लावण्या के लिए बना रही हूँ मैं हरी मूंग दाल की खिचड़ी, फीकी वाली बिल्कुल। प्याज डाली अकेली, ये प्याज ही प्याज है, और इसमें हरी मूंग और दाल मिला दी। बहुत सौंधी लगती है इसलिए बना रही हूँ, लावण्या खाएगी तो अच्छा लगेगा। अभी सो रही है, थोड़ा चाय दे दी थोड़ी सी, और खाना उसने अभी जब से थोड़ा सा ही खाया था, आधी रोटी खाई थी। बना लेती हूँ खिचड़ी फिर देती हूँ। और तनिष सरसू गए मंदिर से आने के बाद दादी के घर, और फिर आ जाएंगे उससे मिलवाएंगे। और आज हम कहीं जाएंगे शादी में, निमंत्रण में। और कहेंगे आप कहाँ चलेंगे, आप लोग ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलेंगे शाम को सब जने इकट्ठा होके, हम पूरी फैमिली। लावण्या आवाज दे रही, चलते हैं, कुछ कह रही है क्या? पसीना आ रहा है तो मैंने आन दो पसीना से, क्या होता है कि बुखार जो होता है पसीना के उसपे निकल जाता है। तो सब फैमिली इकट्ठी होके चलेगी शाम को, बहुत मजा आने वाला है, कंटिन्यू रहिएगा आप लोग। बन चुकी है गर्मा गर्म खिचड़ी हरी मूंग दाल की, लावण्या ने एक बार तो खा लिए। लावण्या और खा रहे हैं? खा लो, खा रहे हैं? हम तो खाएंगे, तुम भी खा लो। लावण्या को मैंने पहले ही दे दी थी तनिष ने और उसने दोनों ने खा ली। अब मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, रोटी नहीं खा रही, चावल का ही खिचड़ी का ही नाश्ता करती हूँ थोड़ा। एक बज रहा है, नाश्ता तो नहीं, वैसे लंच हो जाता है लोगों का, मैं खाना थोड़ा सा खा रही हूँ। जल्दी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, फिर अभी शाम को चलना है शादी में। है तबीयत ठीक नहीं है, अभी हुई तो हुई तबीयत, ये क्या होता हूँ, ये क्या होता है, अभी तबीयत ठीक है या नहीं है? है जी, क्या होता है? नहीं हो रहा, मुंह से हाँ बोल रही हो और गर्दन मटका के ना बोल रही हो, है कि नहीं है? थोड़ी थोड़ी दिखेगी, थोड़ी थोड़ी नहीं। थोड़ी थोड़ी नहीं है, हो जाएगी तो ही लेके जाएंगे इनको, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। और फिलहाल मैं खा लेती हूँ खाना। यहाँ घर में खाना खा रहे थे और मैं चाय बना के पी ली, और हम लोग हो रहे हैं तैयार शादी में जाने के लिए। और अभी तो हालत ऐसी हो रही थी, तैयार होते हैं उसके बाद आते हैं ब्लॉक में। ये था देखो अंदर बिस्तर डा हुआ है, आज तो लावण्या का बिस्तर उठा नहीं था। चलो हम तैयार हो रहे हैं, मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं हम लोग। लावण्या हो रही है, तनिष सरसू हो चुके हैं, बस स्वेटर पहन ली उन्हें, तो बाकी मैंने भी मेहरून कलर की साड़ी पहनी है, मुझे अच्छी लगती है ये, सिंपल है, पतली है। और चलते हैं, थोड़ी सी दूर जाना है बस, गेट लगा देते हैं। चल रहा है सजने,
क्या हेलो 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 अब जा रहे हैं अभी खाना खाने शादी में। हम लोग आगे बैठ रहे हैं अभी खाना खाएंगे। पहले से चल रहा है खाना और यहाँ हमारा इंतजार हो रहा है बैठे हुए। खाना पड़ता है, खाना खा लिया है। अभी हम शादी वाले घर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या माहौल है, उसके बाद फिर बताएंगे आप लोग को। लेंगे शाम करेंगे भाई टेंट, चलते हैं यहाँ से साथ पे। अर्शु हमारा ढोलक बजा रहा है, कोई नहीं मिल रहा तो कौन? अर्शु मितान सो रहा है, अर्शु ढोलक बजा रहा है और खुश हो रहा है मितान से। मितान देखो सो रहा है, मितान चेहरा नहीं दिख रहा है। घर आ चुके हैं खाना खाके और लावण्या भी अपना बैग लेके वापस आ गई। एक ही दिन में इतनी तेज बीमार पड़ गई कि लाल आंखें और बहुत भयंकर। तो आज वापस आ चुकी वो और 8:10 हो रहा है। इसी के साथ आज का अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।